एंड वेलकम टू चैनल, दिस इज योर बॉय गेड़ीबाज। सो अभी आपने सारे अंधेरे के शॉट देखे होंगे, इसीलिए मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए। अलग अलग जगह जाना है, आपको सब पता लगता रहेगा कि कहाँ कहाँ जाएंगे। फिलहाल जो प्लान है वो ये है कि फर्स्ट विल गो टू जलोरी पास एंड फ्रॉम देयर विल गो टू जीबी के बाद हम लोग जाएंगे कसौल एंड मणिकर्ण। वहाँ से कोशिश करेंगे तोश पहुँचने की, और तोश के बाद हम लोग शायद वापस आ जाएंगे दिल्ली। हो सकेगा तो एक दो जगह और एक्सप्लोर करेंगे। सो दैट इज़ द प्लान फॉर नाउ। टोटल इस ट्रिप पे हम चार लोग हैं, मैं, ये चल रहा टूर ऑन व्हील सुनील, और महेश सर और कबीर द पंजाबी राइडर। फिलहाल तो जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं ये धनुष। सो इस सिंबल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ आप भाई कितना पास आ चुके हैं हिमाचल के। सो यहाँ से सीधा जाएंगे तो आपको ये चंडीगढ़ ले जाएगा सिटी के अंदर। अगर आप यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं, जो कि हम ले रहे हैं, दिस विल टेक यू टू जीरकपुर साइट से फिर परवानू और हिमाचल में एंट्री मिल जाएगी आपको। एक्सपल्स कैसा परफॉर्म कर रही है वो मेरा मेन मोटिव है, वो आपको इस ट्रिप के दौरान सब पता लग जाएगा कि हिल्स पर कैसा परफॉर्म कर रही है, विद द लगेज कैसा परफॉर्म कर रही है। सो बने रहिए वीडियो में। जितने भी लोग शिमला और सोलन साइड जाना चाहते हैं वो इस फ्लाईओवर के नीचे से जाएं, और जितने भी लोग चंडीगढ़ और मनाली साइड जाना चाहते हैं वो सीधा जा सकते हैं। सो गाइस, जाम सिर्फ दिल्ली में नहीं पंजाब में भी मिलता है, और यहाँ पे ट्रकों वाला जाम मिलता है। बहुत बड़े बड़े ट्रक, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ट्रक, और ये पेट्रोलियम वाले ट्रक, और ये हमारे लौंडे, और ये दोनों भी हमारे लौंडे, और ये सॉरी ये हमारे लौंडे नहीं है। सो गाइस, ये फ्लाईओवर है जीरकपुर का। यहाँ पे आप साल में कभी भी आओ, किसी भी टाइम आओ, जाम मिलेगा यार, क्योंकि रेड लाइट है। अरे चाचा क्या कैसे नशे कर रहे हो, अरे भाई साहब, कोई नहीं होता है। सो गाइस, आगे से अपन लेंगे राइट, क्योंकि अपन को जाना है शिमला। सो शिमला रामपुर स्पीति की साइड, काजे की साइड जो लोग जाना चाहते हैं वो यहीं से राइट लेते हैं, अदरवाइज फॉर द मनाली यू गो स्ट्रेट। यू विल सी दिस इंडस लैंड बैंक, पुरानी बिल्डिंग, एंड दिस पारस टाउन स्क्वायर मॉल, और सो मच भीड़। सो गाइस, ये है हिमाचल का फर्स्ट टोल। इसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज टोल है, लेकिन दिस इज़ द मेन टोल जो पंजाब क्रॉस करने के बाद आपको मिलता है। और ये VIP ट्रीटमेंट क्यों दी जा रही है पता नहीं, पर दे दी गई है। लेकिन नहीं, मेरे आगे एक गाड़ी है HR नंबर की, उसको जाने दिया बाइक वाले रास्ते से। होगा यार, फूफी का लड़का होगा इसकी। कोई नहीं गाइस, कुछ भी हो, बाइक्स का तो टोल फ्री है। सो गाइस, वेलकम टू गाइज। अगर आप लोग कभी शिमला आए हो और अगर आपने टॉय ट्रेन देखी है तो ये है टॉय ट्रेन की पटरियाँ। अगर आप नहीं आए हो तो आपको ज़रूर एक बार विज़िट करना चाहिए और टॉय ट्रेन में घूमना चाहिए, बहुत मज़ा आता है। सो अभी धूप अच्छी खासी है तो मैंने भी थोड़ी देर के लिए ग्लव्स उतार दिए हैं, थोड़ा फिंगर्स को भी रेस्ट मिलेगा। और ग्लव्स में यार चलाने में थोड़ा, जो ये विंटर ग्लव्स होते हैं बहुत थिक होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, तो थोड़ा हाथ पे प्रेशर भी थोड़ा लग जाता है। बट नाउ इट फील्स कोजी, सो बिना ग्लव्स के चलाएंगे। और ये तो जो काम है भाई सोलन के फ्लाईओवर का, पता नहीं कब तक ख़त्म होगा। 4-5 ट्रिप हो गए इस रोड पे, बहुत टाइम लगने वाला है। लेट्स सी एंड ईट समथिंग हियर। सो सुनील जा रहा है खाने का पता करने। जस्ट टू गिव यू अ गुड ईटिंग ऑप्शन, दिस इज़ पंडित भोजनालय।
ये दद्दा घाट पे है, सोलन से कुछ 5-6 किलोमीटर आगे। अच्छा खाना है, पराठे अच्छे हैं, ब्रेड ऑमलेट अच्छा है, चाय अच्छी है, रीज़नेबल रेट पे आपको काफ़ी अच्छा खाना मिल जाएगा। सो हम लोगों ने तो खा लिया खाना यहाँ से, अब हम करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू। गाइस, सोलन से लेके शिमला तक हाईवे का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आपको बीच बीच में कंस्ट्रक्शन के पैचेस मिलते रहेंगे, बट जहाँ पे रोड बनी हुई है वो रोड काफ़ी अच्छी है। पहाड़ों पे ये चीज़ बड़ी ऑड है कि अच्छी खासी धूप निकल रखी है, बट सामने वाले पहाड़ पे, जिस पहाड़ पे अपन चल रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा छाया है, तो थोड़ा ठंडा फील होता है। जैसे वहाँ पहुँचेंगे गर्मी लगने लगेगी। सो कन्फ्यूज़न बहुत है बट मजे लो। दिस प्लेस इज शोगी और यहाँ पे ये है श्री राम ढाबा। सो ये जो है ये खुद भी एक राइडर है और ये समझते हैं अपने राइडर पैशन को। तो अगर आप शिमला जा रहे हैं, नारकंडा जा रहे हैं, सो दैट्स अ पॉइंट जब आप नारकंडा बाईपास लेते हैं और जस्ट उससे पहले भैया की शॉप है। तो अगर आप चाय पीना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं, सो दिस कुड बी द बेस्ट ऑप्शन यू कैन हैव। दैट्स इट, लेट्स गो। ये है शिमला बाईपास जो कि पूरा शिमला का जो ट्रैफिक है पूरा ख़त्म कर देता है और सीधा हमें जोड़ता है आगे नारकंडा वाले रोड पे। गाइस, छोटा रास्ता है, सिंगल वे है, लेकिन बहुत क्लीन रास्ता है और कर्व्स तो गाइस पूछो मत, बहुत अमेजिंग कर्व है। ये सुनील भी यहाँ पे वैलेंटिनो रोसी बना हुआ है फुल यामा लेके अपनी। ये देखो अभी हाँ आगे आप जाओ आगे पहले। ओहो ये देखो कर्व्स देखो, अरे वाह यार इतने स्मूथ कर्व्स है ना यहाँ, मज़ा आ जाता है फुल बाइक क्लीन करने में। अपने पास तो एडवेंचर मशीन है इसलिए लीन नहीं कर पाते, बट आई विश समडे आई वुड कम विद अ गुड स्पोर्ट बाइक। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस रोड के और नज़ारे। फिलहाल तो थोड़ा सुनील को देखते हैं, भाई साहब के कर्व्स। क्यों सुनील भाई, हाउ यू डूइंग, की हाल चाल? सो गाइस, इंटरकॉम, मैं और सुनील अपने इंटरकॉम से कनेक्टेड हैं। जिन लोगों को नहीं पता इंटरकॉम किस चीज़ के लिए काम आता है, तो सबसे पहली चीज़ है मस्ती के। राइड पे जब आप चलते हैं तो यार फन होना चाहिए, तो अपने को राइडर से बात करने के लिए इंटरकॉम एक बहुत एसेंशियल चीज़ है, बहुत मज़ा देती है। साथ ही साथ ये आपको इन्फॉर्म कर पाता है आपका को राइडर कि आगे से आप ओवरटेक कर सकते हो नहीं कर सकते, या कोई ख़राब पैच आने वाला है या कोई पीछे रुक गया है। सो बहुत काम की चीज़ है इंटरकॉम। आई स्ट्रांगली सजेस्ट जो लोग ग्रुप में राइड करते हैं प्लीज़ ले लो, बहुत आपका राइड जो है एक्सपीरियंस इन्हांस करेगा ये। साथ ही साथ यू कैन पिक योर कॉल एंड लिसन टू म्यूज़िक इफ़ यू आर गेटिंग बोर, गुनगुना सा म्यूज़िक आपके कान में बजता रहता है जिससे आपकी बॉडी चलती रहती है। या सो दैट इज़ अबाउट द इंटरकॉम। साथ ही साथ सुनील ने अपना सामान जो है लगेज सैडल स्टे पे डाला हुआ है, तो सैडल स्टे भी बहुत काम की चीज़ है। क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए एक राइड पे, मैं ये सारी चीज़ें वाइल द राइड आपके साथ शेयर करूँगा। सो बने रहे वीडियो में, लेट्स गो। सो गाइज, ये बाईपास आपको जोड़ेगा इस ओयो होटल के पास। यहाँ से राइट लोगे तो फिर नारकंडा है पूरा, और ये लेफ्ट में शिमला के लिए चले जाता है। तो अपन लेते हैं राइट बिकॉज अपन ने जाना है नारकंडा साइड। अपने लौंडे लोग बोल रहे, Somebody got crazy with this bike। बाईपास ने कितना ज़्यादा टाइम बचा दिया, अगर हम शिमला में होते भी अंदर ही कहीं फंसे होते, प्लस फर्स्ट एड हो जाते यार जाम में चला चला के। सो गाइज, ये क्या करो, आप भी बाईपास चूज़ किया करो अगर आपको सिटी में नहीं जाना, दैट विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एनर्जी। अभी फ़िलहाल हमारी एनर्जी तो धीरे 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 डाउन जा रही है, जैसे सन धीरे धीरे डाउन जा रहा है। लेट्स सी कहाँ पहुँच पाए शाम को सनसेट तक, वहीं गाड़ेंगे अपना तंबू। जल्दी से इस जाम को ओवरकम करते हैं और अपने लौंडों के पास पहुंचते हैं। ओ दूनू नूनू नूनू। सो अभी हम लोगों ने एक दूसरा रास्ता ले लिया है, पहले हम लोग जा रहे थे वाया कुफरी और नारकंडा होते हुए, लेकिन अब हम लोग इधर वाया मशोबरा एंड नालदेहरा एंड तातापानी होते हुए जा रहे हैं जलोरी पास, क्योंकि नारकंडा वाले रास्ते पे काफ़ी बार चला लिए है। सो इस बार ट्राई करते हैं एक दूसरा रास्ता। सो यहाँ से जो जलोरी पास है दैट इज़ अराउंड 130 किलोमीटर। शाम हो चुके हैं ऑलरेडी, 5 बज चुके हैं और पहाड़ों में गए सनलाइट का ना कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पहाड़ हैं और सन एकदम से डाउन जाता है, तो पता नहीं कब सनलाइट चली जाए। सो जल्दी जल्दी पुल करते हैं, थोड़ा पहुंचते हैं अपनी मंजिल की तरफ। आप करिए
थोड़े म्यूजिक इन शॉर्ट। सो गाइज एज एक्सपेक्टेड इट्स ऑलरेडी डार्क और अभी जो जलोरी पास है वो अभी 50 किलोमीटर और आगे है। अभी नेक्स्ट जो स्टेशन आने वाला है दैट इज लोहरी, सो वी माइट स्टे एट लोहरी फॉर टुनाइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राइड सेफ बी सेफ, बाय बाय।